सीरीज में 78 टर्म का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? कहने का मतलब जो एन है ये हमें यहाँ पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखो कैसे एन पूछा जा रहा है। जैसे अगर ये सीरीज चल रहा हो, देखिए ऐसे करके 3, 8, 13, 18, ...78, ये कहाँ पर जा करके आएगा? मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी इस नंबर 78 के लिए? समझ में आ रही बात? चलिए देखिए, दो तीन तरीके से ये चीजें होता है 78, तो हर एक टाइप में आप थोड़ा इसको समझ लीजिए क्या होता है, तो कैसे हमें क्या फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए अभी सीरीज से सबसे पहली चीज जो पता किया जा सकता है वो क्या क्या चीजें पता की जा सकती है? ए की वैल्यू, ए क्या है होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फिर डी की वैल्यू, किसी से भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग अगर करें, जैसे 13 - 8 दिस इज 5, द वैल्यू ऑफ डी यानी कॉमन डिफरेंस इज 5। अब ये देखो ये क्या है, ये पोजीशन है, क्या है पोजीशन है, और पोजीशन को हम किससे मेंटेन करते हैं 78 से, क्लियर। अब मुझे एन फाइंड करने, मतलब सारी चीजें जो है हमारे पास है वो केवल क्या नहीं है तो एन नहीं है, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ई एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो ए एन है ये है हमारा 78 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 3 प्लस जो फाइंड करना है वो एज इट इज रहेगा एंड डी इज 5। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक जो सॉल्यूशन है वो पहले के ही 5 टाइप्स में बता दिए गए थे, ए एंड डी, जब आपको ये फाइंड करना होगा तो इनके लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। देखो अब सबसे पहले मैं 5 को इधर करूंगा, 78 को 78 - 3, ओके, देन ये एन माइनस वन इंटू 5, 78 - 3 क्या हो जाएगा 75, एन माइनस वन इंटू 5। नेक्स्ट में देखो ये मल्टीप्लाई में है तो जब ये आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 75 को 5 से कैंसिल करोगे आप, 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, एन वैल्यू इज इक्वल टू 15+1 यानी एन इज इक्वल टू 16। कहने का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, और एन की वैल्यू 16 होगी इसका मतलब क्या बनता है कि अगर इस सीरीज में आप 16वें पोजीशन पे जाओगे यानी 16th पोजीशन पे जाओगे तो आपको 78 मिलेगा, क्लियर, डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ।